नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया C20 सेवा समिति में सेवा योगियों का सम्मान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को G20 के सेवा सम्मेलन C20 में सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा योगियों का सम्मान किया। उषा भाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुए सेवा सम्मेलन C20 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे थे। C20 शेरपा विजय के नाम्बियार मौजूद रहे, जिन्होंने सेवा योगियों को सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी युवा भारतीय सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के साथ सेवा का एक मजबूत रिश्ता कायम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एक कॉन्फ्रेंस भी जल्दी की जाएगी। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि सेवा हमारे संस्कारों में है। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। इंदौर में आध्यात्मिक संत श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा साधना, सत्संग व विभिन्न सेवा गतिविधियों के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। 3 जुलाई को स्वामी ओकरानंद के सानिध्य में सामूहिक महासुदर्शन क्रियाएं दिव्य शक्ति पीठ MR10 C21 बिजनेस पार्क के पास होंगी। इसमें बड़ी संख्या में साधक भाग लेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग की विभिन्न गतिविधियों में कंचनबाग व सिलिकॉन सिटी में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। रक्तदान शिविर लगाकर MY हॉस्पिटल में नारायण सेवा, RTO पर फलों का वितरण और निशुल्क श्रीमद् भागवत पुस्तकों का वितरण सहित अन्य सेवा गतिविधियों श्रद्धालुओं द्वारा की जाएंगी। मंडपम में शाम को गायिका गायत्री अशोकन भजनों में प्रस्तुति देंगी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा भोपाल में होगी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत शारीरिक परीक्षा अगस्त के आखिर सप्ताह में शुरू होगी। इस बार शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में इस साल बदलाव कर पहले लिखित परीक्षा कराई जाएगी। ग्वालियर स्थित सेना भर्ती कार्यालय को करीब 400 पदों में भर्ती करना है। इसके चलते 21,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, एक दिन में औसतन 500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 7 से 10 दिन परीक्षा चलेगी। इसके बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। एक दिन में औसतन 500 अभ्यर्थी शामिल होंगे और यह परीक्षा भोपाल में होगी। इंदौर में सेल्फी ले रहे कॉलेज के छात्र की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित पर्यटन स्थल मुहाड़ी फॉल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब सेल्फी ले रहे कॉलेज का छात्र मोइन व इरफान अनियंत्रित होकर 700 फीट गहरी खाई में गिर गए। इरफान तो झाड़ियों में फंस गया, लेकिन मोइन गहराई में चला गया। हादसे की खबर मिलते ही NDRF की टीम व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। NDRF की टीम ने तो ये थी खबर मध्य प्रदेश की। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। मौत हो चुकी।